सो पहले हम कोई भी क्लीन और एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेंगे एंड अगर उस पर कोई रैपर है तो रिमूव करेंगे। हम बॉटल को सेकेंड लाइन से कट करेंगे एंड अगर कोई मार्किंग नहीं है तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे। बॉटल का कैप ओपन करने के बाद कटर से एक कट बनाएंगे। देन रेस्ट व्हील कट यूजिंग सीजर्स। अब सीजर्स से एजेस स्ट्रेट करेंगे। हम इस DIY में 2 बॉटल्स यूज करेंगे। बॉटल कट करने के बाद कैप लगा देंगे। इस DIY के लिए हम कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं। एक ब्रश और कोई भी कलर की वूल या थ्रेड। आप मल्टीपल कलर चूज कर सकते हैं या 2 कलर चूज कर सकते हैं। फेविकॉल को ब्रश से कैप पर लगाएंगे और वूल पेस्ट करेंगे। जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज थ्रेड को पेस्ट करना है। सारी बॉटल पर हम ऐसे ही वूल पेस्ट करेंगे बट आपको कैप के एंड में और बॉटल के एंड में कैसे थ्रेड पेस्ट करना है वो ट्रिकी है, तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना। गाइस प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। I want Pal Delicacy YouTube family to grow. Thank you all. Last layer की wool पर एक और layer paste करेंगे ताकि edges अच्छे से cover हो जाएं। So our bottles are ready. And now हम स्क्रूअर को गरम करके कैप में होल करेंगे। गरम करने से प्लास्टिक इजीली मेल्ट हो जाता है। अब हैंग करने के लिए थ्रेड लगाएंगे। हैंग करने के बाद ही आप एक्स्ट्रा वूल को कट करें। मैं बैटरी लाइट्स पेस्ट कर रही हूँ। आप इसमें होल्डर के साथ बल्ब भी लगा सकते हैं। एंड वी आर डन।